भाई साहब आइए, भगवान जी के आगे। अरे अरे आप ऐसे हमारे सामने सामने भाई साहब आइए। जी अरे ईट पर लगा दो। अरे ईट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वो लगा देंगे लगा देंगे। बैठा दो इनके लिए, कर दो इधर है इधर आ जाओ थोड़ा साइड में इधर आ जाओ इधर आओ आप। नहीं नहीं आप यहाँ आ जाओ जल्दी करना पड़ेगा। हाँ नीचे 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 यहीं रख दो बस। गजानन नमपुर गुड़ारी से विदम को पति जब मुझे चार बार खड़ा हुआ सतन को बिना चार को महान रहने को प्रार्थना करते हैं। कल पढ़ने चले गए छोटी बच्ची है क्या? बुलाना चाहिए लड़की है कोई बच्ची छोटी इधर है प्रकट हो जाए एक बात के पीछे तब तक बोलते हैं। आ गई आगे बच्ची है कई बच्ची है जगह। अरे आप मत आइए आगे आदमी जगह। आदमी जगह बढ़िया ठीक है। ऐसे ही सतत विकास की प्रक्रिया चलती रहे। स्वागत अभिनंदन करें मेरे हमारे के सपनों को साकार करने और उनके शब्दों को साकार करने का अगर कोई प्रयास धरातल पर किया है तो हम सब के लोकप्रिय नेता हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र उपाध्याय जी ने किया है। क्षेत्र की ऐसी कोई भी गली सड़क मोहल्ले ऐसे नहीं है जहां माननीय मंत्री जी ने अपने विकास
ये कार्य से हमने स्वागत कर लिया है माननीय मंत्री जी का। वो कृपया करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाए माननीय मंत्री जी। सर हम लोगों का दार दर्शन करेंगे, अपना उद्बोधन देंगे, तो सभी सबको कोई स्वागत से अगर वंचित रह गया तो कृपया करके आ जाए जल्दी। और छोटा तालियों से अभिनंदन होता है माननीय मंत्री जी का, क्योंकि स्वागत से सबसे पहले तो धरना प्यारा जी हुआ है। स्वागत कर लिया हो तो सबको थोड़ा सा बैठने के लिए कहो, बैठ ले भाई, बैठ ले। पहली बार 27,000 वोटों से जिताया था, दूसरी बार 51,000 वोटों से जिता के आपने अपना स्नेह प्रकट किया, और तीसरी बार आपका आशीर्वाद मिला तो 57,000 वोटों से लगी। यानी उत्तरोत्तर श्रेणी में आपने मुझे प्यार बढ़ाया, आशीर्वाद बढ़ाया मेरे प्रति। मैं इसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ही के दुआएं थी, आप ही के आशीर्वाद था कि नेतृत्व ने मुझको एक बहुत बड़े दायित्व पर, कैबिनेट मंत्री जो मात्र 18 लोग हैं योगी जी के मंत्री मंत्रालय में, मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है शिक्षा विभाग की, आईटी की और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तीन बड़े विभाग हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये माफी मांगता हुआ कि पहले मैं अधिक आता था आप लोगों के बीच, लेकिन अब थोड़ा आप लोगों के समय से चोरी करता हूं, इसके लिए माफी। वजह क्या है कि पहले एक विधानसभा क्षेत्र था, अब 403 विधानसभा क्षेत्र का प्रदेश है। पहले मात्र यहां का क्षेत्रीय विकास था, अब तीन तीन विभागों में नया कैसे हो, हर क्षेत्र में कैसे पहुंचे वो, इसकी जिम्मेदारी भी है और उसमें भी मुझे आगरा ध्यान रहता है और आप सब लोग भी ध्यान रहते हैं। जो सतत संपर्क मेरा कार्यशैली के तीन सूत्र बनाए थे मैंने, कि जनता से सतत संपर्क बनाए रखना, जन समस्याओं के लिए सतत संघर्ष करते रहना, और मात्र संघर्ष करके औपचारिकता पूर्ण नहीं करना, उनको सतत समाधान देते रहना। ईश्वर कृपा, आप लोगों के आशीर्वाद, काफी सफलता मिलती रही इसमें, और अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो बड़े काम भी करने हैं शहर के लिए। गंगा जल आया, आप सब लोगों ने जिक्र किया, जिस गंगा जल को हम ऋषिकेश, हरिद्वार और बनारस वगैरह से लाकर एक बोतल में भरकर अपने पूजा घर में रखते, उसकी आरती उतारते थे, उसके पूजन करते थे, और यदा कदा समय पर जैसे आजकल श्राद्ध है, अंजलि भर गंगा जल भरकर तर्पण करते थे, आचमन करते थे और अपने को कृतार्थ महसूस करते थे। आज ईश्वर की कृपा हुई है कि घर का नल खोलते हैं, गंगा जल आता है, हर हर गंगे करके नहाते हैं। मुझे आगरा के लोग भगीरथ ऑफ आगरा कहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो। ईश्वर की कृपा है कि इतने बड़ा काम मैं करा सका। उसके बाद मैंने आगरा के लिए, क्योंकि देखिए पानी सबसे पहली आवश्यकता है, खाक पति से खरब पति तक, उसके बाद आवश्यकता हो तो ये इलाज की, दवाई की, दवाई और पढ़ाई ये मानव जीवन के लिए जरूरी है, चिकित्सा और शिक्षा। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज था, अभी भी है, सबसे प्राचीन मेडिकल कॉलेज में
तो हिंदुस्तान के तीन में से एक, लेकिन दुर्दशा कैसी थी उसकी, पिछले दौरान सरकारों के न चिंता करने से या जनप्रतिनिधि के न चिंता करने से, एक सेंटेंस में आपके समझ में आ जाएगी कैसी दुर्दशा थी कि जब मैंने दूसरी बार आप लोगों ने मुझे चुना और मैंने अहद लिया, संकल्प लिया कि अब ऐसे मेडिकल कॉलेज में को आधुनिक बनाया जाएगा, उसका अपग्रेडेशन किया जाएगा जिससे जनता को चिकित्सीय सुविधाएं मिले, क्योंकि चिकित्सीय सुविधा की कितनी आवश्यकता होती है। आपने कभी सुना होगा किसी माँ या पिता को डॉक्टर के पास कहते हुए, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए चाहे मेरा घर भूरा पड़ जाए, या किसी पुत्र को अपने पिता माँ के लिए कहते सुना होगा मेरी माँ को बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को, मेरे पिता को बचा लो चाहे मेरा घर भूरा पड़ जाए, इतनी जरूरत होती है। और आगरा की मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा क्या थी, जब मैं इसको देखने गया कि अपग्रेडेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वहां की लड़कियां, हॉस्टल की लड़कियां निकल कर आई थी और मुझसे बोली, जरा एक विधायक जी एक बार हॉस्टल देखिए हमारा। मैंने कहा हॉस्टल देखने नहीं आया हूं, मैं तो ये देखने आया हूं कौन सा विभाग कहां खुलना चाहिए, बोला एक बार देख तो लीजिए। खैर उन्होंने जिद की तो मैं वहां की प्रिंसिपल थी डॉक्टर सरोज सिंह, उनके साथ अंदर गया। आप अंदाज लगा लीजिए कैसी शर्मनाक स्थिति थी और कैसी दुर्दशा थी कि जब मैं पहुंचा तो उन्होंने दिखाया गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम के दरवाजे नहीं थे, यह स्थिति। इससे ज्यादा तेवर बन्नु भाई बात करो उस मैटर को, भी तेवर कम रहते थे। हमारे तेवर धीरे धीरे यहां तक पहुंचे, उनको इतनी जल्दी होते बन लिया डॉक्टर। तो इसलिए सेवा, अभी मैं गुब्बो को बता रहा था कहा चला गया यहां से, उसको मैंने आते ही एक बात कही कि हम जनप्रतिनिधि बने हैं सेवा करने के लिए, हम कोई कलेक्टर या कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं हो गए, क्योंकि उसकी कुछ शिकायतें आई है अपना कार्यकर्ता है, तलाशा भी अभी नहीं तो तराशेंगे भी होंगे, तो उसको सिखाना है बताना है, गलती हो जाती है लड़पने में, कभी हमसे हो जाए कभी मेरे परिवार से हो जाए तो आशा है माफ करेंगे। बाकी यहाँ का विकास जो तेज गति से हुआ है उसके लिए मैं श्रीदेव भगवान सिंह जी को श्रेय देना चाहूँगा, ये हमेशा मेरे को पुल लगाते रहे, और देखिए जब पुल लगेगी तो आदमी क्या है उचकेगा, अगर आप मेरे पीछे से डाक साहब पिन चुबा दे क्या होगा, मैं बोलते बोलते झटका खा जाऊंगा। तो ये पिन लगाते रहे, मैं काम करता रहा, और कितने सीधे फायदे हुए हैं और कितने अप्रत्यक्ष रूप से फायदे हुए हैं, सीधे फायदे तो आपको दिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो फायदा होता है विकास का, यहाँ उस समय जो रेट होगी जमीन की, आज वो रेट करीब चौगुनी या पांच गुनी हो गई है, सीधे आपका स्टेटस बढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा, यह होता है विकास का काम। सिर्फ जहां कहीं पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो वहां आप मकान लेना पसंद नहीं करेंगे, चाहे आपको सस्ता मिल रहा हो, जहां पानी पहुंच रहा होगा वह थोड़ा महंगा भी खरीदना पसंद करेंगे। जब यह सब सुविधाएं हो गई हैं तो यहां अब अपने आप में मुझे मालूम है, मैं पहले यहाँ कहीं लेना चाहता था प्लॉट और तब ले लेता और तो अच्छा रहता, तो मुझे भी कम से कम विकसित क्षेत्र मिल जाता, अब इतना खरीदने की कोशिश करता हूँ लगता है महंगा हो गया। चलिए ये तो ईश्वर जो चाहेगा वो होगा, आप लोगों का आशीर्वाद दुआएं साथ रहे, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रिश्तेदार हमारे परिसर से कह रहे हैं।